एंड माय यूट्यूब चैनल MS ब्यूटी मेकओवर। आई होप आप सभी बढ़िया हो। आज मैं लाई हूँ फ्रंट एंड चोटी जूड़ा हेयर स्टाइल। तो फ्रंट से चोटी करेंगे, फ्रंट उल्टी चोटी करनी है और पीछे से जूड़ा। तो ये चोटी जूड़ा हेयर स्टाइल बन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक टेढ़ी मांग की एक गाइडलाइन बना लेंगे। उसके बाद थोड़े से पार्ट्स को लेके उसमें तीन साइडें निकालेंगे। तीन निकालने के बाद उसमें अब करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स को लेते जा रहे हैं फ्रेंड्स आगे से, और हेयर में इंक्लूड मतलब हेयर को अंदर करते जा रहे हैं और नीचे की तरफ चोटी कर रहे हैं, उल्टी चोटी जिसको बोलते हैं, उल्टी चोटी। इस तरीके से देखिए, थोड़े से पार्ट्स को लेती जा रही हूँ मैं और उल्टे नीचे की तरफ चोटी करती जा रही हूँ। ये देखिए, फिंगर की हेल्प से मैंने थोड़ा सा पार्ट्स को लिया और नीचे की हेयर में इंक्लूड कर दिया और उसके बाद मैंने उसको गूँथ दिया। इस तरीके से आपको भी करना है, इसी तरीके से चोटी करनी है आपको, और थोड़े थोड़े पार्ट्स को लेते जाइए आप और नीचे की तरफ ब्लेंड कर इस तरीके से उसमें ऐड करते जाइए। तो फ्रेंड्स, आपको भी ये इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा पार्ट्स लेके ऐड करना है। और ये देखिए कितनी फ्रेंड्स कितनी प्यारी चोटी हो रही है। तो उल्टी चोटी बहुत अच्छी लगती है और इसका लुक भी बहुत प्यारा आता है। इस तरीके से मैंने थोड़े से पार्ट्स को आगे से लेती जा रही हूँ और वो उसमें जोड़ती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसे मुझे जाना हो, मेरे पास हेयर स्प्रे वगैरह ना हो, तो मैं किस तरीके से हेयर डू बनाना हो, तो इस तरीके से आपके पास एक नोकदार कॉम हो और हेयर डू बना सकती है बहुत जल्दी इस प्रकार से। और आगे से भी आप डेली बेस भी बना सकती है इस तरीके से। देखिए, थोड़े थोड़े इस पार्ट्स को पुश करके खींचना है और इसमें एक थोड़ा सा ये हैवीपन दिखने लगा और लुक भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, इस तरीके से थोड़े पार्ट्स को मैं खींच रही हूँ और बस ये देखिए कितना सुंदर सा लुक बन गया है ये आगे का तैयार। इस प्रकार से मैंने फ्रंट इस तरफ का लुक तैयार कर लिया है और ये लुक बहुत ही प्यारा लग रहा था फ्रेंड्स। तो ये आगे से लुक हो गया है। अब मैं उस तरफ का लुक होने के बाद अब मैं इस तरफ के लुक इस तरफ की चोटी कर रही हूँ। तो इधर से मैंने थोड़े थोड़े पार्ट्स को लिए, तीन पार्ट में पहले मैंने डिवाइड किया, उसके बाद मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स को लेके उसमें ऐड करती जा रही हूँ। तो फ्रेंड, इसी तरीके अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और बेल आइकन दबाना प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स को ले रही हूँ और चोटी में जोड़ती जा रही हूँ। नीचे की तरफ से ही आपको चोटी कर ली है और इसको उल्टी चोटी बोलते हैं। इस प्रकार से मैंने चोटी कर ली है। अब मैं इनको धीरे धीरे थोड़ा सा खोल रही हूँ और पुश कर रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी हैवी दिखे और लुक भी अच्छा लगे। इस प्रकार से आपको भी धीमे धीमे ही पुश करना है फ्रेंड। इस तरीके से मैंने पुश कर लिया था, आगे से बना लिया था, अब मैं पीछे से कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा आगे से फ्रंट लुक हल्का सा पफ बनाया था पीछे की, तो ये मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, थोड़ा बनाया ताकि मेरा पीछे का लुक बहुत अच्छा लगे। तो इस तरीके से मैंने फ्रेंड्स कर लिया था और बिना कुछ किए हुए मतलब बिना हेयर स्प्रे किए हुए मैंने इस हेयर डू को बनाया है। तो वैसे तो मैं वैसे भी बना सकती हूँ, बट मैंने सोचा कि मैं बिना हेयर स्प्रे के ही हेयर डू कर बना के दिखाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगी। देखिए, बिना स्प्रे के मैंने हेयर डू बनाया, कितना क्लीन बनाया ये पफ। तो पफ मेरा हो गया था थोड़ा सा, तो अब मैं नीचे से एक पोनीटेल करके उसको ऊपर की तरफ चिमटी की बॉब पिन से की हेल्प से उसे पिन अप कर रही हूँ। देखिए, ये पिन हो गया है। अब इन्हीं पार्ट्स को लेके हम अच्छे से कॉम करके अब नीचे की तरफ रोल करके एक बन सा बना देंगे बिना कुछ फिल किए हुए। इस तरीके से फ्रेंड्स बना देना है, सारे बाल को अंदर की तरफ मोड़ देना है और ये बन गया है, बहुत सुंदर लग रहा था। इस तरीके से मैंने पिन कर दिया है, बॉबी पिन से आपको लगा देना है और ये मेरा बॉबी नीचे का बन टाइप का बन गया है। इस प्रकार से आपको भी बना लेना है। तो अब मेरे जो आगे के पफ मैंने थोड़े से बनाए थे वो मैंने अच्छे से फिर से कॉम करके उसको पफ कर लूँगी। तो ये देखिए, पफ कितना सुंदर फ्रेंड्स आया, बिना कुछ फिल किए, बिना कुछ हेयर स्प्रे किए हुए ही मैंने बनाया हुआ है
और ये देखिए कितना सुंदर आया है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं गाय फ्रेंड्स इसको इस प्रकार से, और बहुत ही सुंदर लगता है ये लुक। आप बिगनर हो तो भी आप इस प्रकार से सीख सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है इस हेयर डू में, और बहुत ही अच्छे तरीके, ना मैंने कोई क्रिम्पिंग की है ना कोई स्ट्रेटनिंग की है, जो इनके रियल बाल है बस रियल बालों में ही मैं काम करती हूँ। कभी कभी फ्रेंड्स इनसे भी हल्के हल्के हेयर आते तो उसमें भी, अब मैं एक चोटी गूँथ रही हूँ और वो भी उल्टी उल्टी करने के बाद, उस चोटी मेरी पूरी हो गई थी, उसके बाद मैं थोड़े थोड़े बार्ड्स को दोनों तरफ से पुश करके फैला रही हूँ ताकि हमारी एक चोटी, और देखिए इसको जूड़े में फिल कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लुक आया है। और बाकी के जो बाल हैं फिर उनको मैं चोटी कर रही हूँ उल्टी, और उसको भी मैं हेल्प की हेल्प से थोड़ा थोड़ा पुश करके फैला लूँगी ताकि ऊपर की तरफ फिल करने की। ये देखिए फ्रेंड्स फिल हो गया है। फ्रेंड्स थोड़ा सा कैमरा मेरा ब्लर हो रहा था जो शूट कर रही थी, तो कुछ फ्रेंड्स मेरे क्लाइंट्स भी आ जा रहे थे इस वजह से, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। एंड मेरी जो चोटी है इस पर बन जुड़ा है तो इस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा, और जो मैंने आगे की चोटी बनाई हुई थी उसको मैंने उस तरफ से इंक्लूड कर दिया है। इस तरीके से आपको भी फिल कर देना है, देखिए कितना सुंदर आ रहा है। और बॉबी पिन से सिक्योर कर दीजिएगा, इस तरीके से मैंने बॉबी पिन लिया और इसको सिक्योर कर दिया। अब मैं दूसरी तरफ की जो चोटी है उसको भी मैं फैला के इस पट्टी में, देखिए कितना सुंदर और कितना हैवी, बस उनके ही हेयर में, इनके हेयर बहुत ही हल्के थे फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़्यादा हल्के थे तो बहुत अच्छा लग रहा था ये लुक फ्रेंड्स। बस थोड़ा सा कैमरा है जो मेरा हिल डुल रहा था इस वजह से थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, तो फ्रेंड इसको इग्नोर कर दीजिएगा, और बस मेरी ट्रिक को अच्छे से देखिएगा। इस तरीके से मैंने दो ही बनाए, एक लेयर बना चुकी थी, अब मैं दूसरा पार्ट्स की लेयर बना रही हूँ उल्टी चोटी। तो आपको भी फ्रेंड इसी प्रकार से चोटी करनी है, और कभी कभी ये होता है मेरे पास स्प्रे नहीं है, मुझे पार्टी में भी जाना है, तो मैं हमको हेयर डू भी बनाना है, तो किस तरीके से करेंगे छोटे और हल्के पतले बालों में, इस प्रकार से आप हेयर डू बना सकते हैं और बाल भी लंबे दिखेंगे और बहुत ही सुंदर दिखेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा लुक लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और इसके बाद मैंने ये चोटी उल्टी कर ली थी, अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा धीमे धीमे खोलूँगी, ये चोटी को दोनों तरफ से पुश करके इस तरीके से, देखिए हल्का हल्का खींचिए, हल्का हल्का सा इस तरीके से हैंड की हेल्प से पुशिंग करेंगे, और जितने भी हेयर हैं वो थोड़े हैवी दिखने लगेंगे, और इसको जूड़े बन में इंक्लूड करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको पुश कर करके इस प्रकार से पुश कर रही हूँ फ्रेंड्स, और ये बहुत ही सुंदर लगता है लुक। और ये देखिए मैंने जूड़े में फिल कर रही हूँ इसको इस तरीके से, और जो हमारा नीचे का बन बना था वो भी अंदर फिल हो गया है। और ये टेक्निक ही मुझे बहुत अच्छी लगी, और बहुत जल्दी ये हेयर डू हो गया था, और बॉबी पिन से मैंने इसको सिक्योर कर दिया है। इस प्रकार से आप भी सिक्योर कर सकते हैं फ्रेंड्स, और ये मेरा ओवरऑल बन जुड़ा हेयर स्टाइल बन गया है। तो ये देखिए चोटी स्टाइल एंड बन। तो अब मैंने इसमें लगा दिए थे वाइट कलर के फ्लावर्स, और इसके बाद ये तो और चांद चांद लग गया इसमें, चार चांद और सुंदर लगने लगा फ्रेंड्स। बस कैमरे है, मेरा कैमरा थोड़ा सा हैंडल रहा था इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बाकी ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए फ्रेंड्स ओवरऑल आगे से फ्रंट लुक कितना सुंदर आया है इनका, बहुत सुंदर लग रहा था ये हेयर डू, और बिना कुछ हेयर स्प्रे के मैंने इसको बनाया है फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।